डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर को डिटेल में करेंगे। ठीक है, नॉमनक्लेचर जो है ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस पर बोर्ड में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं डायरेक्ट कि नेम द कंपाउंड्स, बट अगर आपको ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर नहीं मालूम है, कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें कंपाउंड का नाम दिया गया और आप समझ नहीं पा रहे तो क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे, और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत इसकी यूज़ है। तो इसलिए ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर के ऊपर मैं डिटेल प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको रूल्स बताता जाऊँगा और उसके साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो पहला जो रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, है ना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कंटिन्यूअस चेन। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कभी कभी कुछ कंपाउंड्स टेढ़े मेढ़े लिखे रहते हैं, जैसे एक कंपाउंड ये है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, अब ये कंपाउंड है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो नंबरिंग इसमें हम करेंगे ना, उस साइड से करेंगे जहाँ से साइड चेन को नंबर कम मिले, या फंक्शन ग्रुप तो कोई अल्केन ही है, तो ये साइड में जाएगा, ये भी साइड में जाएगा और ये भी साइड में जाएगा। अब जब ये तीनों साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है कि जिसमें साइड चेन को नंबर कम मिले। अब यहाँ पे साइड चेन में नंबर इधर से चलते हैं तो 1, 2 पे है, और ये जो है 1, 2, 3, 4 पे जाता है, तो इधर से नंबरिंग हम देते हुए, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है, मुड़ी और उससे कोई फ़र्क नहीं है, कंटिन्यूअस है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये इथाइल है, अल्फाबेटिकल चलना पड़ेगा, तो हम आपको क्या नाम देंगे इसको, 5-ethyl, ठीक है, 5-ethyl। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो 2-5-dimethyl, 2-5-dimethyl, और 8 वाला है तो ऑक्टेन। स्केलेटन बना के मैं समझा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। इधर से नंबर इसको दिया क्योंकि ये पास में पड़ रहा था 2 पे, इधर से जाते 1, 2, 3, 4 पे होता तो ये दूर हो जाता, तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से इसको 2 पे देना पड़ा, ठीक है, ये 5 पे जाएगा। अब ये इथाइल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो 5 पे इथाइल है, ठीक है, और यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो 2,5-dimethyl और 8 वाला है तो इसलिए ऑक्टेन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको हटा के एक क्वेश्चन और है, उसके अंदर दिया हुआ है चेन आपको 1, 2, 3, 4, 5 की है, 1, 2, 3, 4, 5 की चेन दी है और 2 ऊपर दे दिए हैं और 2 नीचे दे दिए हैं एट दी नियर एंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखिए, लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी देखनी है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है बट कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। अब इधर से नंबर देते हैं तो 1, 2, 3 आता है, इधर से देते हैं तो 1, 2, 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इथाइल आ रहा है 2 कार्बन वाला, इधर पे मिथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से दे देते हैं क्योंकि बराबर पोजीशन पे हो, तो जहाँ पे अल्फाबेटिकली कम हो वहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 हम कहेंगे 3-ethyl, ठीक है, 3-ethyl, 4-methyl, 4-methyl और 6 वाला है तो हेक्सेन, इज इट ओके। देखिए, जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम देते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम कहते हैं प्रीफिक्स, ये वाला पार्ट है प्रीफिक्स, और ये वाला जो पार्ट है हेक्स, इसको हम पेरेंट नेम कहते हैं या वर्ड रूट भी कहते हैं, पेरेंट नेम या वर्ड रूट भी कहते हैं,
तो ये किस पर डिपेंड करेगा, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसको, हेक्स छः वाली है तो हेक्स, और एन जो है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए है, एल्केन है ना, तो ये सफिक्स कहलाता है, या इसको हम फंक्शनल ग्रुप नेम भी कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप नेम, ठीक है। और ये जो प्रीफिक्स होता है या साइड चेन वाला है, साइड चेन जिसकी इम्पोर्टेंस कम है वो साइड में जो होते हैं, तो उसके लिए, तो हमेशा जब भी नाम लिखा जाता है तो तीन पार्ट होते हैं, एक प्रीफिक्स, एक पेरेंट नेम और एक सफिक्स, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देख लिया कि कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन हमने कंटिन्यूस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कैसे लॉन्गेस्ट चेन को, अगर लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमें दिख रहा हो कि दो तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और यहाँ पे भी आपके एक कार्बन है, यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। अब इसमें देखिए दो तरह से चेन को सेलेक्ट किया जा सकता है, एक तो चेन सीधी सीधी ये सेलेक्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो तरह से हम कर सकते थे, इसको यूँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लें, मान लीजिए हमने इस तरह से सेलेक्ट कर ली और इस तरह से सेलेक्ट की, अब अगर जब इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो नंबर इधर से देंगे क्योंकि 2 पे ये आ रहा है, इधर से आते हैं तो ये 3 पे आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और इसमें अगर देते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला जो तरीका है ये गलत है और ये वाला जो तरीका है सही है, हालांकि इसमें भी 7 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी 7 कार्बन है, जब दोनों में बराबर की लॉन्गेस्ट चेन हो तो वो वाला तरीका सही होगा जिसके अंदर साइड चेन्स ज़्यादा हों, इसमें साइड चेन्स 1, 2, 3, 4 हैं और इसके अंदर साइड चेन्स कितनी है, 1, 2 और ये 3, तो ये वाला जो तरीका है सेलेक्ट करने का, इफ़ देर आर टू मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन देन सेलेक्ट दैट वन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, स्ट्रक्चर सेम है बट अगर इसमें इस तरह से 7 कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो इसमें 3 ही साइड चेन्स हैं, और इस तरह से लेते हैं तो 4 साइड चेन्स हैं। अब इसको नाम कैसे देंगे, 4 पे प्रोपाइल है और ये सब मिथाइल है, एम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, 4 प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला ना, 4 प्रोपाइल और हेप्टेन, ठीक है, वाला तो तरीका ही गलत है, ओके जी। तो ये वाला सही तरीका है, अगर लॉन्गेस्ट चेन दोनों में बराबर हो तो वो वाली को लेना है जिसके अंदर साइड चेन्स ज़्यादा हैं, इसमें 4 साइड चेन्स हैं, इसमें 1, 2, 3 ही साइड चेन है, इज़ इट ओके। और बाई चांस अगर इसको नंबर देना हो तो इसको नंबर देंगे तो नाम कैसे देंगे, फिर देखिए यहाँ 2 पे आ रहा है और ये 4 पे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें नाम कैसे देंगे, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये तो साइड चेन अलग है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो इसमें हम कहेंगे 2, 3 डायमिथाइल, इसको कहेंगे 2, 3 डायमिथाइल, और इसको फिर साइड कॉम्प्लेक्स है तो इसको 1 पे मिथाइल लगा है तो इसको ब्रैकेट में करेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, मल मिथाइल प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट है, और ये हेप्टेन, ऐसे नाम दिया जाता है, बट दिस वन इज़ करेक्ट मेथड ऑफ सेलेक्टिंग दी लॉन्गेस्ट चेन, ओके। इसको हटाते हैं फिर नया क्वेश्चन लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब सेकंड रूल देखते हैं, फर्स्ट रूल हम लोगों ने देख लिया, अब सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल क्या कह रहा है, पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कह रहा है स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दी एंड, या फ्रॉम दी साइड कह सकते हो, फ्रॉम दी एंड विच गिव्स,
स्मॉलर नंबर टू द कार्बन एटम कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट, कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए ये है एग्जांपल, यहाँ पे Br लगा है, तो नंबर हम इधर से देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला करेक्ट मेथड है। और अगर कोई इधर से नंबर देता तो गलत हो जाता, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला गलत हो जाता। हमको जब भी कोई साइड में चेन लगी हुई है तो उस तरफ से नंबर करना है जिससे कि उसको नंबर कम मिले, तो इसका नाम हो जाएगा 2-bromopentane। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2-bromopentane। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, तो अब इसमें पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में हमें नंबरिंग करनी है, इधर से भी कर सकते थे 1, 2, 3, और इधर से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो दोनों तरह से देख सकते हैं। तो बट इधर से शॉर्ट पड़ रहा है कि 3 के ऊपर साइड चेन आ रहा है, ये तो साइड में है, 1, 2, 3 पे लगा है, इधर से आओगे तो 1, 2, 3, 4 आएगा, तो नंबर यहाँ से देना है, उस साइड से देना है ताकि साइड चेन वाले को नंबर कम मिले अगर कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ethyl, ठीक है, 3 पे इथाइल है और ये हेक्स वाला 6 वाला है हेक्सेन, 3-ethyl हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नया रूल लिख लेते हैं। ओके, इसको हटा के नया रूल के बारे में समझाता हूँ स्टूडेंट्स। अब थर्ड रूल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, उसका नाम है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाऊँ। जैसे ये दिया है क्वेश्चन आपको, 6 है और एक इधर लगा है और एक इधर लगा है और एक इधर लगा है। ठीक है, अब इसको दो तरह से हम नंबर दें, अगर 6 है, एक इधर है, एक इधर लगा है और एक इधर, स्केलेटन में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर नंबर इधर से हम देते हैं और नंबर अगर इधर से देते हैं राइट से, तो क्या डिफरेंस आएगा। तो मान लो हमने इसको नंबर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर राइट से नंबर दे रहे तो ये आ रहा है, और अगर लेफ़्ट से नंबर देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब दोनों में जब नंबरिंग हमने ऐसे दे रखी है तो दोनों में चेंजेस क्या हैं देखिएगा। अब इसको अगर नाम देंगे तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो हो जाएगा इसका नाम 2-3-5-trimethylhexane। ठीक है, 2-3-5-trimethylhexane, और इसमें अगर नंबरिंग इधर से दिया है तो 1 इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो हम इसको कहेंगे 2-4-5-trimethylhexane, 6 वाला है ना हेक्सेन। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कि यहाँ पे ये 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें नेक्स्ट वाला 3 है और इसमें 4 है, तो ये ठीक नहीं है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, जहाँ पे भी डिफरेंस आएगा जो छोटा होगा उसको सही माना जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा वो उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ नंबरिंग, क्योंकि इनको लोएस्ट मिल रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा था, तो ये नहीं चलेगा। दिस इज़ द राइट मेथड ऑफ नंबरिंग, इसमें इनको जो साइड में जो लगे हैं उनको लोएस्ट सेट मिल रहा है, कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, तो जब भी साइड चेंज केवल देख रहे हो तो उनको नंबरिंग उस तरफ से दो ताकि लोएस्ट सेट मिल जाए उनको। ओके, फिर नया दिखाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक नया वाला हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के रूल में। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो आपको इस तरह से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है,
और यहाँ पे एक साइड में लगा हुआ है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे साइड में लगा है। ठीक, तो एक तो तरीका ये है इसको, और दूसरी तरह तरीके से लिखने का दिखा दें, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पे भी है साइड में, यहाँ पे भी साइड में है और यहाँ पे साइड में, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब नंबरिंग की बात आती है। अगर इसको हम नंबरिंग इधर से दे रहे हैं, ठीक है, नंबर इधर से दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 2 पे साइड चेन है, 7 पे है और 8 पे है, और इसके अंदर नंबर इधर से दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखिए ये वाला करेक्ट मेथड है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला जो सेट आ रहा है 2 पे आ रहा है साइड चेन, फिर 7 पे आ रहा है, फिर 8 पे, और इसमें क्या हो रहा है, पहला आ रहा है 3 पे, तो यहीं पे ये इससे ज़्यादा हो गया। पहला 3 पे आ रहा है, इसको प्रॉपर मैनर में लिख लें, 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है और फिर 9 पे आ रहा है। हमें तो फर्स्ट स्टेप पे देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये जीत जाएगा, ये ठीक नहीं है, गलत हो गया। अब आपको अगर नहीं सर, सेकंड वाला, सेकंड तो हमें देखना ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप पे ही देखना है जो छोटा होगा। ठीक है, अगर ये मान लो 2 2 7 8 होता और ये 2 2 8 9 होता, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, तो ये ज़्यादा सही होता, ये गलत हो जाता अगर ऐसे भी होता। तो मतलब है हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो बराबर ही है, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, तो ये ठीक है, कम है लोकेंट का सम नंबर, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स का नंबर कम है, तो ये सही होगा, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, हटा देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ रूल में क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा सेम तरह का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उनके अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिया हुआ है, 7 कार्बन है सीधी चेन में, 3 एंड 4, अब यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन एक लगा है और यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी साइड चेन, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन जो है उस आपकी 7 की है। नंबर इधर से करते हैं क्योंकि 2 है यहाँ पे, यहाँ एक ही लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 पे 2 लगे हुए मिथाइल, 1 4 पे लगा हुआ है, 1 6 पे लगा है, तो 2 2 4 6 ट्राई टेट्रा, 4 है ना, टेट्रा मिथाइल, और 7 कार्बन वाला है तो हेप्टेन। ठीक है, जब एक ही जैसे कार्बन लगे, एक ही जैसे होंगे ग्रुप साइड चेन में लगे हुए, तो उनमें डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, इस तरह से लगेगा। तो टेट्रा मिथाइल, 4 लगे तो टेट्रा मिथाइल, 2 होते तो डाई मिथाइल, 3 होते तो ट्राई मिथाइल, इस तरह से नाम देते हैं अगर सेम तरह के ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दें, नेक्स्ट वाला समझें, इसको हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग ने 4 रूल्स लिख कर लिए, अब 5वें रूल की प्रैक्टिस करते हैं, उसका नाम है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली होता क्या है कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो तो उनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना पड़ता है। ठीक है, एक से ज़्यादा जब साइड में लगे होते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन है, 5 है सीधी चेन में और एक ऊपर लगा है, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला लगा है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट लेंगे क्योंकि इसके अंदर साइड चेन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब जब साइड चेन ज़्यादा है इसके अंदर, तो अब हमने इधर से लॉन्गेस्ट चेन ले ली, नंबर इधर से करना पड़ेगा, ये 2 पे आ रहा है क्योंकि इधर से करते तो 1 2 3 होता, तो 1 2 3
फोर फाइव, इधर से करते तो वन टू थ्री होता, इधर से करते तो ये वन टू पे आ रहा है, साइड चेन सेकंड पे आ रहा है, और ये इथाइल है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देना है, ये इथाइल है और वो वाला मिथाइल है, तो M बाद में आता है, ठीक है, मिथाइल है ये, M बाद में आता है, E पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली E को हम पहले लिखेंगे, तो थ्री इथाइल, ठीक है, और टू थ्री डायमिथाइल, डायमिथाइल पेंटेन। इसके सामने जो डी लगा है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो लगेगा उसको नहीं कंसिडर करना है, हमें किससे कंसिडर करना है, एम से, मिथाइल से, क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहाँ इथाइल, तो ई पहले आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई को हम पहले लिखेंगे, ओके जी, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं, ये ए था मान लेते हैं, अब ये बी क्वेश्चन इसमें हम दे देते हैं कि एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, एक ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है, एक इधर लगा है, और इसके ऊपर हमारा एक दो तीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन वन टू थ्री फोर फाइव नहीं हो सकती, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई, कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन ये बन गई। अब नंबर अगर इधर से देता है, वन टू थ्री फोर हो रहा है, फोर पे साइड चेन है, ये साइड में है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो नंबर यहाँ से देंगे तो सेट ऑफ लोएस्ट लोकेंट्स यहीं से बन रहा है, वन टू पे आ रहा है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, सिक्स है। अब ये क्योंकि इथाइल है तो ई पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो हम लिखेंगे थ्री इथाइल, ठीक है। अब ये दोनों तो तीनों तो मिथाइल हैं, तो दो टू पे दो हैं, टू टू और फिर थ्री पे एक है, थ्री ट्राई मिथाइल, ठीक है, और ये छः वाला है तो हेक्सेन इसका नाम हो गया, ठीक है, थ्री पे इथाइल और टू टू थ्री ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ई पहले आता है, एम बाद में आएगा, इसलिए ऐसा करा गया, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसको, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग सिक्स्थ रूल देखते हैं, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ दो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है एक और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है दो, ठीक है। अब ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, ये भी वन टू थ्री पे है और ये भी वन टू थ्री पे है, बट अगर इसको साइड में लेते हैं तो इसका नाम इथाइल आता है, और इसमें साइड में लिखा जाएगा तो इसको मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो M बाद में आता है, E पहले आता है, दोनों में कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, दोनों ही साइड चेन है, साइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देख के चलेंगे, तो नंबरिंग इधर से देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री इथाइल, सेवन मिथाइल, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हाँ सेवन मिथाइल, और नौ वाला है तो नोनेन, नौ वाला है तो इसलिए नोनेन हो जाएगा, इज इट ओके। इस तरह से हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान लीजिए कंपाउंड होता इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा के मैं यहीं पे हटा देता हूँ, ठीक है, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर कर देता हूँ, इसको पूरा हटा के यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, और लंबी कार्बन चेन ले लेते हैं हम, तीन तीन छः तीन नौ एक दस की चेन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये पाँच है, एक दो तीन चार, ठीक है, और इधर से वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, और यहाँ पे चेन जो है तीन की है, ठीक है, यहाँ पे चेन चार की है, तो इसको हम अगर साइड में लेंगे तो ये ब्यूटाइल होगा,
और इसको साइड में लेंगे तो ये प्रोपाइल होगा। अब ये बी पहले आता है और पी बाद में आता है, तो नंबर दोनों ही पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 पे है और ये 1, 2, 3, 4, 5 पे है, तो नंबरिंग इधर से ना करके इधर से करेंगे क्योंकि बी पहले आता है। जब इक्विवेलेंट पोजीशंस पे होते हैं तो उस साइड से नंबरिंग करनी है जिससे जिसका अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5-ब्यूटाइल, ठीक है, और 6-प्रोपाइल, पी छोटा ही है, 6-प्रोपाइल डेकेन, ओके जी। जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे होते हैं तो नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर का अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है, ब्यूटाइल का बी पहले आ रहा है, प्रोपाइल का पी बाद में आ रहा है, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 पे है और ये भी 1, 2, 3, 4, 5 पे, सेम इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हैं, नंबरिंग उधर से करो जिससे कि साइड जिसमें साइड में जो आ रहा है उसमें अल्फ़ाबेट जिसका पहले आ रहा है उसको पहले लिखना पड़े, इस तरह से नंबरिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल समझा दिए हैं, ठीक है, अब और जो बाकी के रूल्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। काफ़ी कुछ सिंपल रूल मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिए, ओके। तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए और अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिए और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री बाई एस के अग्रवाल, क्योंकि उनमें 11th और 12th की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने ज़्यादातर डिस्कस किए, बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।